चतुर्थी अध्याय भगवान की जय। बन बिहारी लाल की जय। महादेव की जय। पवन सुत भगवान की जय। श्री सुतवाच श्री सूत जी बोले श्रेष्ठ मुनि हम इसके बाद में दूसरी कथा कहूंगा। आप लोग सुनिए। भी कथा का पालन करने में तत्पर कौन भज नाम का एक राजा था। उसने सद्धि प्रसाद विद्या करके दुख प्राप्त किया। एक बार वन में जाकर पशुओं को मारकर वृक्ष के नीचे आया। देखा गोवन मंदो मंदो के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सती की पूजा कर रहे हैं। राजा देखकर भी अहंकार वशनो तो आ गया। उसने भगवान शक्तिनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अंदर सभी गोवन भगवान प्रसाद राजा की सभी रख कर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार श्री भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा प्रसाद विस्तार करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन एवं श्री सब कुछ नष्ट हो गए। राजा ने निश्चय किया वैसे भगवान सत्यनारायण हमारा नाश कर दिया। इसलिए मुझे वही जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा उन्होंने निश्चय करके राजा गोगनों की सेवा किया और उसने गोगनों के साथ भक्ति सदा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्य की पूजा की। भगवान श्री सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस श्लोक में सभी शोकों को भोग ग्रंथ में सतपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भक्त को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदानी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है उसे भगवान सत्यनारायण कृपा से धूमधाम की आदि प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है। बंधन में पड़ा बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। सत्य बात इसमें संशय नहीं है। इस श्लोक में श्री फलों को भोग प्राप्त करके सत्पुर वैकुंठ लोक हो जाता है। ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा है जिसके कारण इसे मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्य पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल कुछ लोग सत्य कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी को व्रत सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्व्रत रूप धारण करके सभी को व्रत पूर्ण करने वाले होंगे। ही श्रेष्ठ मुनियों जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रतता को पढ़ता है या सुनता है भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर पूर्व काल जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया था उनके लिए जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। आप लोग सुनिए। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम का ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ध्यान करके उन्हें मोक्ष को प्राप्त किया। लगाड़ा बिल्लों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्लामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सर्वतेज साधु पिछले जन्म की सजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्धज नाम का राजा हुआ। उसने आर्य से चीर कर अपने पुत्र की आदि दे भगवान विष्णु गर्भित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज को जन्मांतर में स्तंभ मन हुए संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोवंदी सब धर्मांतर में गजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों को संहार करके उन्होंने भगवान शाक्षत्थान गोलोक को प्राप्त किया। श्री अष्टंद प्राणी रिवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय। भगवान की जय। बन बिहारी लाल की जय। महादेव की जय। हनुमान की जय। की जय महारानी की जय। लगाया